प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2000 का नोट बैन होने पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि मोदी सरकार किस तरीके से नोटबंदी के मामले में विफल रही है। पहले 1000 और 500 के नोट बैन किए और अब 2000 के। जिस समय 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तब भी ये सवाल उठे थे कि यदि काले धन को रोकने के लिए कदम उठाया गया है तो 500 और 1000 के नोट बैन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं और 2000 के नोट छापे जा रहे हैं, इसका क्या तर्क है। अब असलियत खुल करके सामने आई है और सुन करके आप ताजुब करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में 2000 के नोट छापने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ था, सुनिए उन्हीं के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्र से कि कैसे उनको मनाया गया। यदि हम 2000 रुपए के नोट ला देंगे तो जहां 500 रुपए के चार नोट छापने होंगे वहां 2000 रुपए का एक नोट छापना होगा। इसी प्रकार जहां 1000 रुपए बंद किया जा रहा था तो 2000 रुपए में उसकी वैल्यू अपने आप दुगनी हो जाती है। तो हम लोग एक पूरी टोली थी जो कार्य कर रही थी, उसका प्रस्ताव था कि यदि इसी अवधि में हमको करना है यह कार्य बदलाव का तो 2000 रुपए का नोट हमको छापना होगा। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता सुविधा आसान हो जाएगी, इसलिए वह इस मत के नहीं थे। लेकिन उनके समक्ष जब करेंसी की कंपनियां, जो नोट छापने की कंपनी है हमारे यहां प्रिंटिंग प्रेस, उनकी क्षमता बताई गई, उनके बारे में बताया गया कि दो शिफ्ट तीन शिफ्ट में भी करें तो कितना कर सकते हैं, और वह निश्चित इस मत के नहीं थे कि हम नोटों को बाहर छपाई करवाकर यहां ले, तो विकल्प यही रह गया था कि हमको एक सीमित अवधि में 2000 रुपए के नोट छापने होंगे। इसलिए यह सच है कि प्रधानमंत्री जी सिद्धांतः प्रारंभ से ही इस प्रकार 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक व्यवहारिकता के लिए जब उन्होंने समझा कि यदि एक निर्धारित अवधि में डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की जानी है तो वह एक जो होता है रिलक्टेंटली उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। लेकिन उनके मन में कभी भी यह संदेह नहीं था कि इस 2000 रुपए को किसी उचित समय पर जब हमारी क्षमता हो जाएगी तो हम इसको समाप्त करेंगे। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने 2018 के बाद 2000 रुपए के नोट नहीं छप रहे थे। दूसरी कदम उन्होंने उठाया कि जो नोट बैंकों में रिजर्व बैंक में आ रहे थे, क्योंकि बैंक में नोट रहते हैं, बैंक के बाद वो रिजर्व बैंक पहुंचते हैं और जो खराब हो जाते हैं नोट, एक समय सीमा होती है उसके बाद नोट का भी अपना स्वाइल्ड नोट कहलाता है, खराब हो जाते हैं तो वो वापस रिजर्व बैंक चले जाते हैं।
तो जो नोट वापस आ रहे थे वह नए सिरे से रिजर्व बैंक ने वापस सर्कुलेशन में नहीं डाला। एटीएम में 2000 रुपए के आपने अनुभव किया होगा कि आप एटीएम में 500 के नोट 100 के नोट मिल रहे थे, 2000 रुपए के नोट फिर एटीएम से निकलने बंद हो गए। उसका भी यही कारण था कि सर्कुलेशन से विड्रॉ किया था। अब एकमात्र जो सीमित धनराशि 2000 रुपए के नोट की थी उसको रिजर्व बैंक ने, जो अधिकृत है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 30 सितंबर के बाद इन नोटों का जो लेन देन में स्वीकृति नहीं होगी। तो ये एक प्रकार से आप समझें कि पृष्ठभूमि थी, लेकिन एक निश्चित मत जो हमेशा झलका उनके मस्तिष्क से, उनके विचारों से, उनकी मानसिक उसमें, कि वह कदापि 2000 रुपए के नोट को गरीबों का नोट नहीं समझते थे। वो ये जानते थे कि 2000 रुपए का ट्रांजैक्शनल वैल्यू ना होकर के होर्डिंग वैल्यू है, इसलिए उनका यह मत था कि अगर किसी को 2000 रुपए के नोट रखने हैं तो बैंक में जाए, बैंक में धनराशि जमा करे। नॉन बैंकिंग सिस्टम घरों में होल्ड करें लोग, और जिसको फिर आप कहेंगे काला धन है, उसके पक्ष में वो नहीं थे। सुना आपने, वो साफ साफ बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2000 का नोट छापने के अनिच्छुक थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि जहाँ पर हमारे नोटों की छपाई होती है उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि जो नोटबंदी हो रही है उसके दौरान जितने नोटों की ज़रूरत है, जितनी मुद्रा की ज़रूरत है चलन के लिए, वो अवेलेबल हो जाए, लिहाजा बड़े नोट छापने होंगे, 2000 के नोट छापने होंगे, किसी तरीके से उनको मनाया गया था, और उन्होंने अनिच्छुक होकर के बेमन से इस फैसले पर मुहर लगाई थी। आपको बता दें कि नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, उन्होंने बताया भी था, और बाद में भी उन्हीं को इस मामले में घेरा भी गया था। 2000 के नोट बैन करने के मामले में परिस्थितियां इसलिए अलग है कि इसमें 4-5 महीने का टाइम दिया गया है कि 30 सितंबर तक जिसके पास भी 2000 का नोट है वो बैंक में जा कर के अपने अकाउंट में जमा करा सकता है, इसलिए इस बार अफरा तफरी का माहौल नहीं है। अलबत्ता ये सवाल जरूर उठ रहा है कि पहले छापा और अब वापस लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फैसला थूक करके चाटने जैसा है, लेकिन नृपेंद्र मिश्र ने जो कहानी बताई है उससे साफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन 2000 का नोट छापने का नहीं था, ये अफसरों ने उन्हें किसी तरीके से कन्विंस किया था कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।